केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को यानी आज ओवैसी के गढ़ हैदराबाद पहुंचे। वे यहां ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। बेगमपेट हवाई अड्डे पर बीजेपी नेताओं ने शाह का स्वागत किया। प्रचार से पहले शाह ने पुराने शहर में स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बता दें कि अमित शाह के दौरे के चलते भाग्यलक्ष्मी मंदिर में फूलों की सजावट की गई थी। वहीं शाह ने सिकंदराबाद में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात भी कही थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को यहाँ रोड शो किया था। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही थी। वहीं बता दें कि पूजा के बाद शाह ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज हैदराबाद में मां भाग्यलक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, तेलंगाना के लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की, मां लक्ष्मी पूरे देश को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद दें। पूजा के बाद शाह को स्थानीय भाजपा नेताओं ने भाग्यलक्ष्मी की तस्वीर भेंट की। ज्वाला देवी नमोस्तुते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.